दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मदरबोर्ड पड़ा हुआ है। ये वाला HP का 280G3 MT का मदरबोर्ड है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है, चलिए उसको पहले दिखाए थे। तो यहाँ पे SMPS लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्पीकर लगा हुआ है, जो बीप आ रहा है तो उसको पहले आपको सुना देते। तो अभी चलिए इसको ऑन कर लेते हैं, SMPS को, बोट को, और सिंपली इसको ऑन करते हैं। तो देखिए पाखा स्टार्ट हो गया घूमना। तो प्रॉब्लम पहले सुन लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। देखिए एक, दो, तीन, एक, दो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन लॉन्ग बीप हो रहा है और दो शॉर्ट बीप हो रहा है। तो दोस्तों इसको ऑफ कर देते हैं। तो दोस्तों आपके साथ भी, मतलब HP का PC है, आपका ब्रांडेड PC है, आपके साथ भी मतलब सेम हो रहा है, तो आपने ज़रूर रैम चेक करके देखा हुआ है। रैम के वजह से आपको ही लगता है कि रैम के वजह से हो सकता है, तो मैंने भी रैम चेक करके मैंने देखा है। तो रैम के वजह से दोस्तों ये वाला नहीं है, रैम चेंज करने से आपका कुछ नहीं होगा, वो तीनों लॉन्ग बीप और दो शॉर्ट बीप आपको आ ही जाएगा। तो इसको कैसे सोल्यूशन पाना है, क्या क्या चेक करना है और कैसे इसको मतलब रेडी करना है बोट को, वही हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं दोस्तों टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिल जाएगा, और बहुत सारा टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे एट फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सीमोस का एक बटन दिया हुआ है बोर्ड में। तो आप ध्यान से आपका मदरबोर्ड जो है वहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको सीमोस का एक बटन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, मिनिमम 30 सेकेंड इसको दबा के रखना है। तो चलिए दबा के रखते हैं। तो दोस्तों आपको जानकारी दे दूँ, ये वाला बायोस को रीसेट करने से मतलब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं मतलब बायोस को रीसेट करने की। तो अगर बायोस रीसेट हो जाता है तो नॉर्मल वे से, तो हम लोगों को मतलब ये वाला बोर्ड रेडी मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप ये वाला स्टेप फॉलो कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे, एक ही चीज़ नहीं है, मतलब सीमोस रीसेट करने से आपको नहीं होगा, आपको और भी कुछ करना पड़ेगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा, स्किप मत कीजिएगा और छोड़ के मत भाग जाइएगा, तो उससे आप लोगों को नॉलेज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मिनिमम 30 सेकेंड तो हो गया, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। तो छोड़ देने के बाद अभी इसको ऑन करते हैं और देखते हैं सीमोस क्लियर करने के बाद ये वाला ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं, पाखा स्टार्ट हो गया। एक, दो, तीन, एक, दो। तो देखिए दोस्तों ये वाला सॉल्व नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे अभी देखिए यहाँ पे सीमोस का जो बटन दिया हुआ है वो वाला मैंने प्रेस एंड होल्ड करके आप लोगों को दिखा दिया, इससे सॉल्यूशन नहीं मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्पर लगा हुआ है, तो जम्पर से हम सीमोस को क्लियर करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही होगा, जम्पर को लेफ्ट साइड में आप लगाइए और PC को ऑन कीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो सीमोस है इस ये वाला क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी पावर लगा देते हैं और इसको बोर्ड को ऑन करते हैं। तो देखिए बोर्ड ऑन हो गया, देखिए रुक गया और फिर से स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे दो फंक्शन हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पे आप प्रेस एंड होल्ड करके आप सीमोस को क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्ट जम्पर से भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने तो आप लोगों को दिखा दिया, और इसको भी मतलब मिनिमम 30 सेकेंड आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीप साउंड अभी भी चालू है, तो अभी नॉर्मल पोजीशन पे जम्पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे और जम्पर को नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे, उसके बाद इसको ऑन करेंगे। तो दोस्तों 30 सेकेंड हो गया, तो मैं यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ और जम्पर को नॉर्मल पोजीशन पे रखते हैं। चलिए
और फिर से इसको ऑन करते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, आप लोगों को अगर सीखना है कैसे इसका सॉल्यूशन बनाए तो आपको देखना ही पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद लास्ट तक आप लोगों को इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगा कैसे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो देखिए अभी भी बीप साउंड आ रहा है। नॉर्मल पोजीशन में जंपर को रख दिए मैंने, उसके बाद भी मतलब बीप साउंड आ रहा है। तो इसके बाद दोस्तों अभी आप क्या करेंगे, अभी तो आपके पास कुछ भी नहीं है बचा हुआ तो है दोस्तों, आपको क्या करना है जितना भी केबल वगैरह है खोल दीजिए। मेरे पास सोल्यूशन है दोस्तों, जितना भी केबल वगैरह है स्पीकर को भी खोल दीजिए और यहाँ पे जो मॉनिटर का केबल लगा हुआ है इसको भी खोल दीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पावर का बटन है, आप देख सकते हैं पावर का बटन, ये पावर का जो बटन है इसको हम क्या करेंगे एक मिनट तक प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे। एक मिनट तक दोस्तों, एक मिनट तक हम प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे इस सिस्टम को हम चलाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको ऑन करके मतलब प्रेस एंड होल्ड करके देखते हैं। तो टाइम स्टार्ट नाउ। अभी दोस्तों मतलब बोर्ड में कुछ भी कनेक्टेड नहीं है और रहना भी नहीं चाहिए, मतलब सब कुछ खोल दीजिएगा। और इसका जो फंक्शन है मतलब मैकेनिज्म जो है, ये पावर जो बटन है ये वाला मतलब हॉट की है, इससे मतलब ये वाला बायोस फाइनली क्लियर हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन बहुत लोग नहीं जानते, तो इससे आप काम चला सकते हैं। तो जितना भी इसका कंडीशन नहीं है, जितना भी आपका कनेक्टेड रहेगा जो भी केबल वगैरह उसको आपको निकाल देना है। आप इसको मतलब कैबिनेट में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वायर वगैरह सब निकाल देना है। तो आपका फाइनली ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक मिनट हो गया, तो इसको छोड़ देते हैं। और दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, केबल वगैरह सब SMPS का लगाएंगे, मॉनिटर भी लगाएंगे और फाइनली देखेंगे कीबोर्ड भी लगाएंगे और फाइनली देखेंगे ये वाला बोर्ड ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों इसको कनेक्ट कर लेते हैं, पहले VGA को कनेक्ट कर लेते हैं और जो यहाँ पे स्पीकर है स्पीकर को भी यहाँ पे लगा देते हैं और SMPS को भी यहाँ पे लगा देते हैं। पावर यहाँ पे दे देते हैं और ये वाला जो प्रोसेसर का पावर है इसको फाइनली लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करेंगे, होपफुली ये वाला ऑन हो जाए। तो इसमें हम कीबोर्ड भी लगा देते हैं दोस्तों। कीबोर्ड भी लगा दिया। अभी चलिए दोस्तों इसको ऑन करके देखते हैं। तो पावर हम लोगों को लगाना पड़ेगा यहाँ पे और इसको सिंपली ऑन करते हैं। दोस्तों रुक गया, अभी देखिए चालू हो गया। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना है। देखिए अभी भी कुछ बीप साउंड वगैरह आया नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हैं, तो आके चला गया, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आके चला गया, अभी आएगा, फाइनली आएगा दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है ये फैन इज़ नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली, मतलब इसका जो चैसिस फैन है यहाँ पर लगा नहीं है, इसलिए ये वाला मैसेज दे रहा है। और यहाँ पर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो कीबोर्ड में देखिए यहाँ पर
आपको मिलेगा। तो अभी फिर से ऑफ हो गया, मतलब ये वाला पैसा का जो पक्का है, फैन है, वो वाला देखिए यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसको प्रॉपरली हम लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला ऑन नहीं होगा। तो फिर से आपको ऑन करके एक बार दिखा देते प्रॉपरली दोस्तों, ये वाला पैसा को फैन को आपको लगाना पड़ेगा और चेसिस का जो फैन है उसको भी लगाना पड़ेगा। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम जो है F2 में जाएंगे, हम क्या करेंगे F10 दवा के बायस में जाके आपको दिखा देते। देखिए दोस्तों यहाँ पे बायस में मतलब घुस के आप लोगों को दिखा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आप नेम लॉक ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे अभी फाइनली सेट करेंगे और ये वाला चालू हो जाएगा दोस्तों। तो अभी आप देख पा रहे हैं मतलब बायोस में मतलब आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आपको अगर सेम प्रॉब्लम आ रहा है 3 लॉन्ग बीप और 2 शॉर्ट बीप, तो ऐसे ही आप तीनों स्टेप फॉलो कीजिए, तो आपको फाइनली आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका अगर कोई भी कमेंट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर देने के। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों को आंसर देने में। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर आईडी दिया हुआ है, तो आप जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर टेलीग्राम जो चैनल है उसको वहाँ पर आप लोग मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।